हमारा जिला कांगड़ा, और जिला कांगड़ा का ये लंबा गांव ब्लॉक में हमारा ये गांव है दसलूं गांव। और दसलूं गांव में हमें जो कॉल आई वो अभी 11 बजे का लगभग टाइम है, तो हमारे राकेश जी इनकी कॉल आई। इनका कहना था कि ये जो घर है ये श्रीमती पम्मी देवी का मकान जो है ये बन रहा है, यहाँ एक बहुत बड़ा सांप, यानी कि मैंने जब इसको देखा तो ये एक मेरे को स्पेक्टेकल कोबरा इंडियन का, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, तो वो ये सांप है, बहुत ही जहरीला सांप, और नाग भी कहा जाता है इसको। तो ये तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं इसको बचाने के चक्कर में ही, अन्यथा ये मार भी सकते थे। लेकिन हो सकता है हर आदमी के अंदर जो वो आध्यात्मिक तौर पर जो वो सब लोग पूजा करते हैं, नागों को पूजते हैं, नाग पंचमी को मनाते हैं, सावन के महीने में मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो आस्था सब रखते हैं, तो इस आस्था को रखते हुए इन्होंने इस जीव को नहीं मारा, तो हम इसको इसका रेस्क्यू करेंगे और इसको इसके पर्यावरण में छोड़ेंगे, इसकी जान भी बचाएंगे और साथ में जो ये लोग हैं इनको भी इसके डर से, इसके भय से मुक्त करवाएंगे। तो देखते हैं अब ये कोबरा कितना टाइम लेता है। तो साथियों यहाँ ये सांप जो अब बहुत देर से छिपा हुआ है, तो उसको देखते हैं। अभी ये सांप आपको दिखाई देगा। तो ये साथियों यानी कि बहुत ही जहरीला सांप, आप इधर देखो नीचे। तो स्पेक्टिकल कोबरा यानी के बहुत ही प्यारा सांप। ये बहुत ही प्यारा यानी के प्योर स्पेक्टेकल हो रहा ये बहुत ही प्यारा सांप ये साथी बहुत ही न्यूरोटॉक्सिक इसमें वेनम होता है, अगर ये काट जाए तो नर्वस सिस्टम जो उसको डैमेज कर देता है, यानी कि प्योर नाग जिसके पीछे जो है वो एक स्पेक्स की तरह जो इसमें निशान होते हैं, यानी कि स्पेक्टेकल कोबरा भारतवर्ष में पाया जाने वाला बहुत ही प्यारा सांप। अंकल टॉर्च नीचे हो रही थी, सांप पे बिल्कुल सांप पे नहीं, सांप पे नहीं मारनी, नहीं अंकल टॉर्च दो, टॉर्च पकड़ा, टॉर्च बंद कर दो, उसे टॉर्च बंद करो, टॉर्च बंद करो, दूसरी टॉर्च बंद है, हां अब ठीक है, अब ठीक है, हां करो दे दो मेरे पास, दे दो, रुको रुको मेरा तो करने दो, बहुत छोड़ रहा है आपका, बहुत ज्यादा छोड़ रहा है, बहुत ज्यादा, इतने टाइम किसने लिया नहीं। साथियों ऐसे ही ये अगर किसी को बाइट करता है तो पूरी तरह यानी कि 40 से 45 मिलीग्राम जहर देता है, बहुत छोड़ा वापस ने, बहुत ज्यादा, और ये तभी छोड़ता है जब जहर खत्म हो जाता है, यानी कि जितनी देर इसने पकड़ा हुआ है उतनी देर ये इसने देखो इसको जहर को दिखाया जाए, ये पूरा न्यूरोटॉक्सिक वेनम, टॉर्च अब दो, टॉर्च दो, ऊपर ऊपर नहीं जा, ऊपर ऊपर कितना रहा, यहाँ पे है थोड़ा सा ऊपर गया, ढक्कन का है, ढक्कन रख नीचे, ऊपर है पर इतना ही है, अभी ज्यादा नहीं है, ऊपर डंक मार आपके ऊपर, हाँ करो, ऊपर है आपका, ऊपर तो है, ऊपर है, ऊपर टाइट करें, हो गया साथियों, ये कोबरा सांप यानी कि स्पेक्टेकल कोबरा, बहुत सी मिथ्या बातें हैं
कि इसमें मणि पाई जाती है या झाड़ फूक तंत्र मंत्र मारा जाता है, कभी भी ये सांप अगर बाइट कर जाता है तो हमेशा हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर ही आपकी एक जान बचा सकते हैं, अन्यथा कोई भी चीज आपको आपकी जान नहीं बचा सकती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई मणि पाई जाती है और ना ही कोई तंत्र मंत्र इसमें कोई प्रयोग होता है, क्योंकि जो मणि वाले हैं उनका धंधा है वो एक स्टोन होता है चीकू की तरह, और जिसको हर बाजार में जो है वो बड़े भाव में बेचा जाता है, तो वो झूठी बातें हैं, बिल्कुल झूठी बातें हैं। बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल स्नेक सेवर हैं, कभी भी उनको कोई मणि नहीं मिली, और जो तंत्र मंत्र वाली बात है वो भी बिल्कुल झूठी बात है। तो कभी भी अगर ये सांप बाइट कर जाए तो हमेशा सिविल हॉस्पिटल जाना है, वहां एंटीडोट जो हमेशा तैयार होती है, डॉक्टरों के पास होती है, और डॉक्टर ही आपकी जान बचा सकते हैं। जितनी जल्दी ये बाइट करे, जितनी जल्दी आप वहां से जाएंगे, अगर किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि जितना टाइम आप खराब करेंगे उतनी ही आपकी हालत जो वो खराब हो जाएगी, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जिससे आपका नर्वस सिस्टम जो वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का, राम राम, जियो और जीने दो पर्यावरण को। साथियों ये स्पेक्टेकल कोबरा जो लंबा गांव ब्लॉक में जो है इसको रेस्क्यू किया था, इसको काफ़ी दूर जंगल ले आया हूँ ताकि ये अपने वातावरण जो इसके अनुकूल है वहाँ इसको रिलीज कर दूंगा, ताकि ये अपनी बची जिंदगी जो है उसको आराम से जिए और लोग जो हैं वो भी भय से मुक्त रहें। तो इसको मैं रिलीज कर दूंगा, तो इसको दिखाएं थोड़ा सा रिलीज करती बार आगे। आगे थोड़ा आपने